डे 15 की डाइट ने तो मेरी जान निकाल दी लिटरली। सबसे पहले उठ के सारे घर का काम किया, इतना ज़्यादा थकान हो गई, लेकिन वर्कआउट करना था। दिन में 2 बार कर रही हूँ तो ब्रेड खाया, पीनट बटर लगा के ब्लैक कॉफ़ी पी, और उसके बाद स्टार्ट की अपनी स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग करते करते मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे अब दिन में 2 बार एक्सरसाइज करनी है और साथ ही अपनी डाइट भी मैनेज करनी है। तो ऐसे कौन से ऐसे काम है जो ज़रूरी नहीं है, जिसको मैं हटा सकती हूँ अपने डे रूटीन से। स्ट्रेचिंग करने के बाद मैंने कंप्लीट किया अपना चेस्ट, शोल्डर एंड आर्म्स का वर्कआउट, एंड बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है मुझे अपनी बॉडी को देख के, बिकॉज इतना कॉन्फिडेंस मैं फील कर पा रही हूँ कि एक तो वेट अच्छा लिफ्ट हो रहा है विदाउट एनी सपोर्ट, दूसरा ये कि मेरी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, तीसरा ये कि मेरे जिम क्लाइंट्स ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि मैम आपकी बॉडी में कुछ ही दिनों में बहुत अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। उसके बाद मैंने लगाए जंपिंग जैक्स 500, देन मैंने की जंप स्क्वैट की एक्सरसाइज, जिसमें मैंने 20 रिपीटिशंस के 3 सेट्स कंप्लीट किए, और इतना ज़्यादा थकान हो रही थी, लेकिन फिर खुद को समझाया कि आज तो कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, आज तो वर्कआउट ज़बरदस्त करना बनता ही है। जंप स्क्वैट्स लगाने के बाद मैंने स्पोर्ट रनिंग की तकरीबन 2 से 3 मिनट, और उसके बाद मैं भागी और चढ़ गई ट्रेडमिल पे। अभी मुझे इंक्लाइन ट्रेडमिल करना था तो मैंने यहाँ पे रनिंग की, 15 मिनट की रनिंग करने के बाद जो मेरी हालत हुई और एग्जैक्ट मेरा वर्कआउट खत्म हुआ 9:25 पर, और यहाँ मेरे सारे क्लाइंट्स आके बैठे हुए हैं क्योंकि 9:30 मेरा बैच लगता है, लेकिन अभी मैंने मील नहीं लिया था तो फटाफट से भागी मैं मेरे कैबिन की तरफ। मैंने खाया पनीर और साथ में मैंने खाया एक एप्पल, और इसको खाने के बाद मैंने स्टार्ट की अपनी क्लास, जिसमें मैंने इनको बहुत इन्जॉय करवाया, दे वर वेरी हैप्पी। मेरे साथ साथ इनका भी वेट लॉस हो रहा है तो और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। वर्कआउट करवाते करवाते खूब ज़्यादा पसीना निकला, उसके बाद इतनी थकान हो गई कि मैंने नारियल पानी में प्रोटीन डाल के पीना था, लेकिन ये नारियल इतना ज़बरदस्त आया कि पानी नहीं निकल रहा इतनी ट्राई करने के बाद। फिर एक टेस्ट किया मैंने ये देखने के लिए कि क्या नारियल में एक गिलास पानी पूरा निकलेगा कि नहीं, क्योंकि जब मैं इसको स्ट्रॉ से पीती हूँ तो पानी निकलता ही नहीं है उतना, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो मैंने खींचा था पानी और ख़त्म हो गया। फिर मैंने इसमें डाला अपना प्रोटीन और झटपट से इसको किया मैंने मिक्स, और पीकर देखा तो नॉट बैड, मुझे अच्छा लगा इसका टेस्ट, अब मैं इसको रोज़ पी सकती हूँ। देन मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि 2 बार वर्कआउट करने की वजह से पसीना बहुत आ रहा है। हेड वॉश कराया, घर गई, घर जाके चना चाट खाया और एक ग्लास लस्सी पी, देन पहुँची अपनी वॉशिंग मशीन के पास और मैंने सारे कपड़े अपने वॉश किए, क्योंकि आज मुझे शूट करना है यूट्यूब, तो यूट्यूब में मेरे को कम से कम 5 घंटे लग गए हैं शूट करने में और मुझे बहुत टफ लग रहा था। फिर सोचा कि जो बचा हुआ किचन का हिस्सा है क्यों ना वो भी क्लीन कर लिया जाए, तो झटपट से मैंने अपने किचन का जो एक पार्ट और रह गया था वो सारा क्लीन किया। यहाँ पे सारी ऑयल की बॉटल्स हैं या फिर जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं जो मुझे, जिसमें किसी में पीनट है किसी में पीनट बटर है, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे सेट किए। सेट करने के बाद दिखाती हूँ किचन की कंडीशन, अब ये बहुत अच्छी लग रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि किचन मेरी पूरी साफ़ हो गई। देन फटाफट से किए सारे बर्तन साफ़, क्योंकि जब किचन को सेट करने की बारी आती है तो सबसे ज़्यादा बर्तन ही बिखरते हैं, और मुझे यूट्यूब शूट करना था तो पहले ये था कि सारे बर्तन सेट कर लूँ। यूट्यूब शूट करने के बाद मैंने खाया क्यूकम्बर कोन सैलड, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग था और मेरा पेट इससे भर गया था, और मैंने मेरी बेटी के लिए कुछ डिफरेंट बनाया जो आप भी खाने वाले हो अपने आने वाले डाइट प्लान में, और ये दोनों रेसिपीज़ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर आज शाम तक मिल जाएंगी। आप वीडियो देखना ना भूलना, बहुत अमेजिंग वीडियो मैं आपके लिए ला रही हूँ, और बेला भी वही खा रही है जो मैंने नोना के लिए बनाया। तो यहाँ ख़त्म होता है मेरा डे 15। आई एम वेरी हैप्पी कि 15 दिन निकल गए, अब बारी आती है शॉपिंग की, 1 हफ्ता और अच्छे से कंप्लीट कर लिया। सो मैं जाऊँगी आज शॉपिंग करने, आप बताएं 15 दिन के बाद आप अपने लिए क्या नया खरीदने वाले हैं जिससे आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके।